आजादी के आदर्शों को समझे और बयां। मूसा वादा वेरवड़ी सिक्का पदम समाधि हामी सूरा मेरे मजपदा मिष्टाना वेरवणी सिक्का पदम समाधि हामी त्रिशेन से अपन सीलन धम्मं साधु चुपता पवादन सीलन संपाद्य तबम साधु 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 अभिवादन शील सुनिश्चम बुद्धो पच्चायनो चत्तारो धम्म वदंत आयवल प्राप्त हो। आप लोगों के लिए मंगल कामना साधुवाद। आप लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा एवं अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के सानिध्य में और भी अन्य संस्थाओं के सानिध्य में मेरा परिचय भिक्खु धम्मसागर अखिल भारतीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों को याद रहना चाहिए दीक्षा लेने वालों को कि आप लोगों ने दीक्षा किससे लिया, तो आप लोग जो मैंने परिचय बताया वो बताएंगे, दोबारा सुनेंगे। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भिक्खु धम्मसागर भवंतु सब मंगलं रखंतु सब देवता सब बुद्धान भावेण सदा सोति भवन्ते। भवंतु सब मंगलं रखंतु सब देवता सब धम्मान भावेण सदा सोति भवन्ते। भवंतु सब मंगलं रखंतु सब देवता सब संघान भावेण सदा सोति भवन्ते। अर्थात आप लोगों का जीवन यापन कभी मूर्खों से न हो, सदा सत्पुरुषों से हो। इसी तरह से सदम को ग्रहण करते हुए आप लोगों का जीवन यापन हो। आप लोगों ने यह धम्म क्रांति का अवसर ग्रहण किया, आप लोगों ने त्रिशूल पंचशील ग्रहण किया, इसका ठीक तरह से सत्य निष्ठा से पालन करना। जब आप लोग सत्य निष्ठा से पालन करेंगे तो आपके पड़ोसी आपके साथी जब आपको देखेंगे तो उनके मन में भी धम्म की इच्छा लेने का एक क्रांति का दिमाग में प्रसुत होगा और वो भी ग्रहण करेंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचा था इस देश के मूल निवासी भारतवासी नौजवान बुजुर्ग बहन और भाई बच्चे जो 18 साल के होंगे वो सभी दीक्षा लेने का काम करेंगे और दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए उपासक जी ने बात कही थी अगर 1956 से 14 अक्टूबर अशोक विजयदशमी से ये कार्यक्रम शहरों में और गांव में चलता रहता तो आज गांवों में और शहरों में बुद्ध विहारों का निर्माण कार्य हो गया होता। आप लोगों के गांव में तहसील में ब्लॉक में देखने को मिलता है सत्संग वालों के तो डेरे के डेरे लगे हुए हैं, लेकिन बुद्ध विहार का निर्माण कार्य नहीं हुए। इसलिए आप लोगों को सीख प्राचीन काल के पूर्व काल के इस भारत में जो रह रहे हैं बरुआ परिवार अरुणाचल सिक्किम से आए हुए, चाहे वो लोग 10 रहते हों चाहे 20 रहते हों चाहे 50 रहते हों चाहे 100 रहते हों, लेकिन वो लोग बुद्ध विहार बना करके अपने मकान के पास में जरूर रहते हैं या अपने घरों में तथागत गौतम बुद्ध जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सिंपुक ऋषि सोपा ऋषि पैरिया रामा स्वामी अन्य जो महान पुरुष हुए हैं सिर्फ उनके ही तस्वीर रखते हैं, वो अन्य की तस्वीरें नहीं रखते या अपने माता पिता की रखते हैं। साधुवाद मंगल कामनाएं, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना
और घंटी बजाना ना भूलिए।